डॉगी आ गए थे, मैंने कहा इनको खाना खिला दूँ। इनको रोज़ इस टाइम जो है ना खाना देते हैं हम लोग। जो हो जो है कि मम्मा तो सो रही, चले मैंने कहा मैं ही ये काम कर लेता हूँ। सुबह का वक्त है, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है और ये ब्लॉक वगैरह मैं ले आया था जाके, और ये हमारा सरिया पड़ा हुआ है, ये रेती, ये सब्जी वाला आया हुआ है। ये जो उस्ताद जी काम कर रहे हैं, उनके घर वाले आए, उनसे बात कर रहे हैं। वो काम अभी चल रहा था, बंद हुआ है क्योंकि उनके घर वाले आए। ये उस्ताद ने माल बनाया, ये ब्लॉक पड़े हैं, ये में हमने सीमेंट लगा दिए। और ये जोहा और जोहा की मम्मा सो रहे हैं अभी। ये काका सो रहे हैं, ये बेगम सो रही है। मैंने कहा इनको सोने देते हैं, अभी तो टाइम नहीं हुआ, इतना सुबह का वक्त है, इनको बाद में उठाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कितनी प्यारी प्यारी सी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और जी हस्बैंड पता नहीं सुबह के कब के उठे हुए थे, पता नहीं चला, उन्होंने सामान उतरवा भी दिया सारा, जो घर आज हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर बनना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी बहुत एक दो परेशानियाँ वो भी बीच में चलती रहेंगी, उसको भी इंशाल्लाह, आप लोग के इतने पेपर कमेंट्स आए थे कि आप ही हर आसानी होती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह में बड़ा भरोसा है, बड़ी दुआएं की है मैंने रात में, अल्लाह पाक कोई रास्ता निकाले ताकि मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टेंशनें आई हैं ना वो वक्ती तौर पे आई हैं, ख़त्म हो गई हैं, शुक्र है अल्लाह का। कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। हाँ परेशानी आई, वक्ती तौर पर आई, लेकिन वो ख़त्म हो गई, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी हमारा बाहर काम स्टार्ट चल रहा है, मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं काम पर। कितना काम हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। और हस्बैंड सुबह के उठे हैं मेरे हस्बैंड 7 बजे के, क्योंकि 7 बजे ना बजरी और हमारे ब्लॉक आए थे और सरिया। तो हस्बैंड सुबह 7 बजे पहले मिस्त्री को लेने गए घर पे, फिर वहाँ से सरिया लेने गए जो छत पे डलना था, और जीने के लिए सब सामान लेने गए। तो सारा सामान जब आया ना तो हस्बैंड बेचारे मेरे सुबह के लगे हुए, और फिर पानी वानी चढ़ाया, जो सामान हटाना उठाना था वहाँ से, क्योंकि पूरा इतना सहन फैला हुआ है। अभी मैं एक बाहर नहीं गई हूँ, हस्बैंड ने कहा आके देखो तो सही जरा अपना सहन का हालत। तो मैंने कहा चले मैं उठ गई हूँ, अब जाती हूँ। अभी मैंने जोहा को भी कमरे में रखा है, जोहा को भी मैंने बाहर नहीं निकाला। मैंने कहा जोहा बहुत मट्टी और डस्ट हो रहा है बेटा, फिर आपको गर्मी लगेगी तो आप कमरे में ही रहो। तो जोहा भी अपनी डॉग के साथ खेल रही है, अभी मैं जा रही हूँ जोहा के लिए नाश्ता बना रही हूँ, दे दूँ। तो जोहा क्या खाएंगी, नगेट्स खाएंगी? चलो मैं जोहा के लिए नाश्ता बनाऊँ। मैंने दही बड़े बनाए थे रात में, तो मैं उसके साथ अपना देखूँ पराठा बनाती हूँ या कोई रोटी फ्राई करती हूँ। तो हम अपने अपने नाश्ता करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपने बाहर का हालम। खूब जंपिंगें हो रही हैं, इतनी जंपिंगें हो रही हैं कि ये जो है ना मेरा बच्चा कुछ आखिरी ये सहारा है ना बेड, ये जोहा आप ही फारिग कर देंगी, है ना? और दिखाओ डोल तो दिखाओ, अपनी पायल को तो दिखाओ। हेलो पायल, अस्सलाम वालेकुम पायल, कैसी हैं? जोहा ये बिल्कुल आपकी तरह है, कि उसके बाल भी करली घुंघराले आपकी, जैसे आपके ना घुंघराले वैसे इनकी तरह है। अच्छा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप ही आप ना जोहा के, एक मिनट को, ये जोहा के बाल, पोम ये जोहा के बाल जो ना ये इसने काटे हुए थे, ये बाल देख रही हैं आप, ये काटे हुए थे इसने, तो अभी इसके बाल बढ़ रहे हैं। तो ये पोनी में भी नहीं आते, पोनी बना भी देती तो आते ही नहीं है, फिर मुझे इसके ना आगे फ्रंट से कुछ बनाना पड़ता है टाइट करके, तो फिर इसके ना यहाँ से इसको दर्द होता है, तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ, जितना होता है उतना कर देती हूँ उसके बाल। और आज तो मालिश होगी जोहा के बाल, बालों में ऑयलिंग होगी। चले जी, और यहाँ पे हस्बैंड जो है बेचारे बिस्तर तय कर रहे हैं। मम्मा देखिए जी, देखिए 2 मिनट। वाह भाई वाह, जबरदस्त। चले बाहर का दिखाएं भी, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह में रहे आप, देखिए। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारे काम स्टार्ट हो चुका है, भाई काम कर रहे हैं। चप्पल पहनो, चप्पल बिल्कुल, सारे सामान यहाँ फैला हुआ है। हाँ हाँ देख रही हूँ बेटा, तो चप्पल पहनो पहले आप, चलो पहनो। और ये देख हमारा आ गया है सीमेंट, उसको वहाँ रखो। और मेरे हस्बैंड को बोला है कि ना फ्रिज को जो यहाँ रख दे कमरे में, वरना ना ये फ्रिज पे बहुत मट्टी देखो ऑलरेडी जा रही है, खराब हो जाएगा। जो हाँ तो काम करने दो भाई को, हाँ काम करने दो अंकल को। और यहाँ पे ना जीने के स्टेप बन रहे हैं हमारे, ये पहला स्टेप बना है, ये ऐसे जाएगा यूँ, हाँ पीऊँ और पीऊँ, जब बनेगा ना फिर आपको दिखाएंगे, अभी तो काम चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने किचन में फिलहाल,
भाई अच्छा काम कीजिएगा हमारा, ज़बरदस्त वाला आपके सामने, आपके सामने। हाँ मजबूती वाला। और भाई ने यहाँ पे स्टोर भी बना दिया छोटा सा, कि कोई अगर एक्स्ट्रा सामान रखना हो तो आप इधर रख सकते हो। जैसे अगर मुझे कुछ भी रखना हो मैं रख सकती हूँ। ये ज़बरदस्त काम हो गया हनी है। अब हनी आपने ये मशीन और ये, हाँ क्योंकि भाई को परेशानी ना हो ना काम करते हुए। हाँ ये उनका सामान है रख दो। ये लट्टू नहीं है जो आप लट्टू समझ रही है, लट्टू नहीं है ये, इनका काम का है। जोहर लट्टू समझ रही होगी। जोहर डोल अंदर रख दो, डोल की हालत खराब हो जाएगी इधर। ये हमारे गमले भी पोजीशन पे आ जाएंगे, या चौकी जो बनेगी उसकी साइड पे ऐसे। नहीं तो वो सीढ़ियाँ होंगे, सीढ़ियों कोने पे रख दूंगी, पहले लगेंगे। हाँ चलो भाई आज मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाऊँ, हटो चलो चलो चले जी। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में बर्तनों का आलम देख लें कुछ इस तरह से है। मैंने कल पकौड़े बनाए थे, ये ऑयल बचा हुआ है, ऑयल को डालती हूँ पहले। यहाँ धुले हुए बर्तन है। हाँ अभी आप पानी इसमें से निकाले कल के दे रहे हैं ना, उधर से भर के माल बनाने के लिए। अंदर गिरेगा नहीं, नहीं कमरा फिर गंदा होगा। सही यहाँ पे यहीं पर ही थोड़ा सा, हाँ सही सही है, ताकि यहाँ पे यहाँ के हाथ का साफ भी हो जाएगा ना। हाँ अभी फिर, हाँ सही है भाई, सही बोल रहे हैं। काम जब शाम में इनका खत्म हो जाएगा ना, तो ये मशीन और फ्रिज अंदर रख देना। और ये घड़ी भी भाई कह रहे हैं उतार के अंदर रखो, इस पर क्योंकि इस पर नेरो वीरो गिरेगा, क्योंकि अभी छत आएगी तो छत डलेगी तो सुराख होंगे ना फिर। अच्छा सर, हाँ सही है। और यहाँ पे सरिया रखे हुए, ये रहा इतना बड़ा वो, हाँ वो बजरी आई हुई हमारी, ब्लाक आए हुए हमारे, सारा काम चल रहा है। जोहा इतनी धूप में क्या कर रही हो, अंदर आओ अंदर आओ, कितनी धूप हो रही है बेटा, इधर आओ शाबाश, चलो अंदर आओ, तो थोड़ी होता है धूप में। ये बाल्टी का निशान पड़ गया, वो उस्ताद ने भी इसका करना है ना काम। अच्छा अच्छा चलो भाई, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। उस्ताद जी ने मैंने यहाँ पे अपना तवा रख दिया है, और यहाँ पे जोहा के नगेट्स निकाले, उसको फ्राई करने के लिए रखती हूँ जल्दी से। दूसरा बर्ला गिराना नहीं? हाँ जी दूसरा पर्दा तो नहीं, नहीं सही है, बहुत है ना, हाँ धूप है। ये भी इस तरफ ही धूप आ रही है, तो थोड़ी आ रही धूप, मैंने इसीलिए ये वाला किया। सही है सही है। खाना खा लिया तो साथ में? हाँ मैं तो लाया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं खा के आऊंगा मेरा घर पास में। चार पाँच दिन देखो कितना फैला हुआ है, लेकिन चलो काम होगा, फैलावा तो होगा ना। भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं ना हमारे मिस्त्री भाई भी अच्छे हैं, अल्लाह पाक। भाई ने खुद बोले मगर भी चौकी बना दी, स्टोर टाइप सही है उसमें ना, हमारे कपड़े रखे हुए ना जो ये बैग वगैरह रखे हैं सब अंदर। मैंने यही बोला, मैंने कहा हमारी बड़ी चीजें अंदर घुस जाएंगी, जो अलमारी पे रखी है ना वो सारी खाली हो जाएंगी। सही, अलमारी का सब सामान यहाँ ट्रांसफर। हमारे जो ये है कैनवस का, ये गमले, गमले ये जब सीढ़ियाँ बनेगी तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे, रख देंगे अच्छा खूबसूरत लगेंगे। चलो मैंने एक ही एक ही रोटी तली है नहीं, हाँ तो आपने ही कहा नहीं, हाँ बाकी मैंने कहा इसमें अपने ही तली खाली, तो नगेट्स भी हो गए। भाई ना चाहिए होंगे तो वो निकाल लेंगे। नगेट्स भी तैयार है, हाँ नगेट्स भी दोनों के रेडी हो गए। मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे मतलब मेरा यार था कि मैं ना मैं चिकन भी लेकर आई थी कि मैं घर में बनाऊँ जोहर के नगर से, लेकिन अभी इतना काम फैलावा ये भी मुझे ही करना है, घर के काम भी आज पकाने में दाल चावल पका लेते सही ना, और ये दाल वो चावल तो है दाल लाल मिली वाले नहीं, मैं काली काली दाल बनाऊंगी आज यार, वो बहुत दिल कर रहा है मेरा बसर की दाल बनाने का, लाल पीली पीछे बनी थी हनी, काली वाली भी सही है, काली वाली बनाऊंगी। चलो जी ये है हमारा नाश्ता, अब लेके चलते हैं अपना नाश्ता और खाते हैं, अपने नाश्ता करते हैं, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। मेरी जान के टोटे चल, ये जोहा के नगर से आ गए, केचप डाल दिया मैंने, अब ये हमारा नाश्ता हो गया, आ जाए ना यार खाना खा लें, सामान तो पूरा कर लें। सही है, मैंने अपना बेटे के लिए बचा के रखी हुई थी। अच्छा कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा सुबह नगेट्स के साथ दूंगा, नहीं पहले इसको खाना खाने दो, पहले नाश्ता दूंगा। हाँ कैसे खुशी हो गई एकदम से, गर्म हो रहा है, फूक मार के खाओ, फूक मार के चलो जी। यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, जब तक जो मिस्त्री भाई है ना और हस्बैंड ये गए हुए थोड़ा सामान लेने, कोई शेल्फ वगैरह आनी है वो लेने गए हुए, तो मैंने कहा तक मैं अपना किचन फटाफट निपटा लेती हूँ,
क्योंकि फिर भाई होते ना अच्छा नहीं लग रहा कि वो काम कर रहे हैं फिर मैं किचन में काम करूं, तो अभी वो है नहीं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपना पहले फटाफट से ही काम निपटा के किचन को बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ जल्दी से। चलो जी, यहाँ पे मैंने सारा अपने बर्तन भी लगा दिए धोकर, पूरा किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, सारी वॉश बेसिन वगैरह पूरा साफ़ कर दिया सारा, और यहाँ पर चूल्हा भी साफ़ करके शेल्फ वगैरह पूरी साफ़ करके मैंने पूरा किचन को क्लीन कर दिया, क्योंकि अभी है नहीं ना ये लोग, अगर आते हैं ना फिर मेरा मुश्किल हो जाता है वापस आना, क्योंकि मैं कमरे से ज़्यादा निकल नहीं रही हूँ। तो ये अब हो गया, अब सिर्फ पकाने के लिए निकलूँगी जब शाम थोड़ी शाम होगी, अभी तो बहुत सख्त धूप हो रही है। तो भाई लाइट गई है, लाइट आती है तो फिर मैं कमरा साफ़ करती हूँ सारा, पौधों को भी पानी वगैरह देते हैं पूरा, और कुर्सियाँ अंदर ले आई हूँ, ये कुर्सियाँ साफ़ करके ना फिर इनको यहीं पर लाइन से लगा देंगे, और मशीन को वॉशरूम में रख देंगे और फ्रिज को यहाँ रख देंगे इधर, ताकि सहन खाली हो, सहन में आराम से काम होता रहे। मैं आ गई हूँ अभी बाहर, और हमारे ये देखें अभी तक ये बना है, सीढ़ियों के थोड़े स्टेप बने हैं, वो दो स्लिप्स आई थी वो लगा दी हैं, क्योंकि छोटा सा स्टोर टाइप बन गया कि अपना कोई भी एक्स्ट्रा सामान हम रख लें इसमें। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, तो किचन में बनाने लगी हूँ मैं दाल, हस्बैंड से मंगवाई थी मैंने दाल, तो वो ये लेकर आ गए हैं दाल, ये काली वाली दाल है, ये बनाऊँगी आगे, बना रही हूँ दाल चावल, जल्दी से इनको धोती हूँ, उसको सारा मसाला काटती हूँ जल्दी जल्दी। छोड़ देती बाहर से कुछ ले आते, दाल वाल मंगा ली तुम, फैलावे से टेंशन नहीं लो, ये मैं कर दूंगा खुद ही, अब काम होगा फैलावा तो होगा ना यार, काम भी तो होना जरूरी है। अभी ये सब कमरा भी सारा वो मैं अंदर जा रहा हूँ ना, मैं जरा फारिग हो जाऊँ, सरिया कटवा दे भाई, मैं खुद भी नहाने जाऊंगा ना, ये रख देना कि बाद, ये भी रख दूंगा। चलो पहले मैं इनको धो देती हूँ दोनों को, उसके बाद पहले अपनी दाल धो देते हैं। दाल ही ना दस देने बनती है, लेकिन ये दाल की रेसिपी जो मैं आपको दूंगी ना, ये बहुत जबरदस्त है, ऐसी दाल आप लोग बनाएंगे ना यकीन करें, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, इतने मज़े की बनती है ये दाल, और मेरे पूरे ख़ानदान में ये दाल इतनी मशहूर है सबको मेरे हाथ की। दाल वाकई बड़ी मज़े की बनती है, चावल से खाओ और सुबह पराठे से, सुबह पराठे से, हाँ सुबह पराठा बनाऊंगी, ज़बरदस्त लगती है अगर तबीयत ने सही साथ दिया तो। चलो ये हो गया दाल, यहाँ हो गया चावल, चावल भी ख़त्म हो गए, लास्ट खत्म, हाँ तो ले आएंगे चावल, क्या हो गया, जी मैं पापड़ ले लूं और जूस ले लूं, हाँ ले लो ठीक है। चलो जी, यहाँ पे खाना पकाने की तैयारी हो रही है, घर बहुत फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा सरिया काटने की खटखट की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि मिस्त्री काम कर रहे थे, फिर उनका भी शोर शराबा, बच्चे भाल खेल रहे हैं उनका भी शोर शराबा, और घर एक तरह से फैला हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ पे ख़त्म करें। आप सबको पता है जब घर बनता है तो इसी तरह के हालात होते हैं, पहले तो मैं घर में जब हमारा शुरू स्टार्ट नहीं बना था तो मैं किराए पे थी तो पता नहीं चला था, लेकिन अब तो मैं एक ही घर में हूँ, और जब बन रहा है तो सारा फैलावा भी घर में ही होता है, तो घर भी समेटना, पकाना भी, बच्चों को भी देखना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शुक्र है कल मैं मैनेज कर रही हूँ इस कंडीशन में भी। और जी हमारे सीमेंट का मसला भी है, बस समझ लें कि 0.5% हमारा हल हो गया था, बड़ी मैंने उनकी तरले मिनती की जिनसे हमने सामान उठाया था, हमने कहा हमें सिर्फ 15 से 20 दिन के टाइम पर हमें दे दें, फिर यह आपको 15 से 20 दिन में इसके सीमेंट के पैसे हाफ ऑफ करके उतार देंगे, तो बहुत मुश्किल से वो एग्री हुए हैं, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने एक स्टेप जो है ना, मैं रात में बड़ी दुआएं करके सोई थी, तो यकीन करें मैं ना पूरी रात टेंशन में रही थी कि अल्लाह पाक किसे मसले हल होंगे, लेकिन थैंक गॉड के हो गए थे। चले जी यहाँ पे मैं अपनी दाल बना रही हूँ, दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया है, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च डालकर उसको सॉफ्ट कर लिया थोड़ा सा। अब मसाले डाल रही हूँ जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला हम इसको एंड में भी डालेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा अभी ऐड किया है, थोड़ा मैं बाद में ऐड करूँगी। और फिर आप मसाले को अच्छे से भून के टमाटर को अच्छे से चम्मच की हेल्प से मैश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जले भी ना और अच्छे से भून भी जाए। अच्छा जी, ये दाल आप इस तरीके से बनाएंगे ना, यकीन माने जो नहीं भी खाते होंगे वो भी खाएंगे, और आपके घर वाले ना तारीफ़ लाजमी करेंगे, ये इतनी परफेक्ट आपकी दाल बनेगी ना, ये स्पेशल मेरी रेसिपी है और मेरे पूरे ख़ानदान में ये रेसिपी मशहूर है,
मैं इसी तरह से दाल बनाती हूँ और आप लोग भी बनाएंगे ना, फिर मुझे बताइएगा, फीडबैक इसका लाजमी दीजिएगा कि हमने बनाई थी, आपकी ये कैसी बनी है। ठीक है जी, अब मसाला भूनने के बाद मैंने डाल दी इसमें अपनी दाल। दाल मैंने लिए एक पाव दाल लिए मैंने, एक छोटा प्याज और दो मैंने टमाटर लिए। अब मसाला भून के मैंने दाल डाल दी, उसमें मैंने अच्छा खूब सारा पानी डाल दिया, क्योंकि ये दाल देखिए टाइम लेती है गलने में। मिट्टी में खेल रही है, पैंट का देखो क्या हाल कर लिया, गंदी पैंट कर ली सारी। अभी मैं करती हूँ आपकी पिटाई, करती हूँ मैं, और आके ऐसी मिस्कीनों की तरह लेट जाती है, ऐसी मिस्कीन बन जाती है, जैसे कितनी मिस्कीन है, कितनी वो है मासूम सी है, कितना मना कर रही थी ना, नहीं खेलो, बालों में मिट्टी भी डाल के आ गई हो। बुई नहीं है, बुई खाना मिलेगा खाली, बुई बुई कोई नहीं है। चल यहाँ पे जो है कुर्सियाँ साफ़ हो रही है, अभी कुर्सियाँ साफ करके यहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये बाहर रखी हुई तो गंदी हो रही थी, इनको यहीं लगाते हैं इधर अभी। और यहाँ पे जो है ना अभी फ्रिज है, नहीं फ्रिज भी ले आओ, और ये पंखा इधर लगा रहता है। यहाँ पे ना मेरी बेडशीटें आ गई हैं धुलकर, ये नहीं सारी मेरी बेडशीटें बड़ी प्यारी। अभी इनको खोलने के बाद में काम आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इनको रख देते हैं अपनी अलमारी में जल्दी से। यहाँ पर इसको सेट कर देती हूँ इनकी जगह पर। यहाँ पे मैंने ये दोनों बेडशीटें, मेरी दोनों बेडशीटें धुल के आई थी, दोनों बेडशीटें मैंने यहाँ पे इसको लगा दिए। ये देखिए इसके अंदर बेडशीटें, अभी मैं बेडशीट बिछाऊंगी नहीं, क्योंकि ना सुबह जो है ना ये छत डलेगी तो ऊपर वो भीम से यहाँ से सुराख होंगे ना, तो ये सारा गिरेगा मसाला, तो इसलिए मैंने बेडशीट बिछाई। हम बेड के आगे सरका के सोएंगे, जितना भी कचरा मट्टी वट्टी गिरेगी हम चादर बिछा देंगे, कारपेट पूरा तो वहीं पर गिरती रहेगी। और ये हस्बैंड ने साफ़ कर दिया ज़बरदस्त, आप कुर्सी हम यहीं लगा देंगे, और यानी इसके बाद जो है ना आप वो ले आओ फ्रिज और मशीन। चल जी, दोबारा मैं किचन में आ गई थी, दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, ये दाल टाइम लेती है इसलिए मैंने चढ़ा के अपने दूसरे काम कर लिए थे। अब मैंने जो इमली भिगाई थी वो डाल दिए मैंने इसके अंदर, और साइड मैंने अपने चावल चढ़ा दिए थे, चावल बॉयल करने रखे थे, सिंपल पानी गर्म करके नमक डाल दिया, चावल डाल दिए, फिर चावल को छान कर उसको दम दे दिया घी लगा के एक चम्मच, बस सिंपल से चावल बनाए थे। यहाँ पर हमारी दाल भी हो गई है, चावल को दम देने के बाद अब मैं दाल को अच्छे से घोटनी की मदद से घोटा लगाऊंगी, ताकि हमारी दाल ना थोड़ी सी वो घुट जाए, खड़ी खड़ी दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये वाली, थोड़ी सी मैश करेंगे ताकि टमाटर जो इमली वगैरह डाली अच्छे से मैश हो जाए। बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया, और ये देखें बहुत परफेक्टली मैश हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम अपना भुना हुआ जीरा, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, भुना कुटा जीरा डालना है, मैंने तो आपको आपने बना के रखा था तो मेरे पास ऑलरेडी था, अगर आपके पास नहीं है तवे पर भून के आप डाल दीजिए, और पिसा हुआ गर्म मसाला, साथ में हरा धनिया और पुदीना, ये डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इनको। ठीक है जी, लास्ट में ये चीज़ें लाजमी आपने डालनी है, भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया पुदीना। अब इसमें लगाएंगे हम अपना तड़का, मतलब के भगार, जिसमें मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच घी ले लिया है, या ऑयल जो आपको चाहे ले सकते हैं। इसमें मैंने एक छोटा प्याज और साबुत गोल वाली लाल मिर्चें, इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। इसमें आप जीरा डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, बस मैंने सिर्फ प्याज और गोल वाली मिर्चें, ये अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, तो मैंने देखें इसको तड़का दे दिया है, और ये कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। ये देखें आप इसको खाएंगे ना, आप इसको चम्मच से भी खाएंगे आपका दिल नहीं भरेगा, इतने मज़े की दाल। एक तरफ मेरे चावल भी रेडी हो गए, दूसरी तरफ मेरी दाल भी रेडी हो गई, हमारा रात का डिनर बिल्कुल रेडी है। साथ में मैंने इसके कचूमर वाला सैलेड बना लिया था, और ये देखें मज़ेदार सी दाल चावल, जब मैं खा रही थी ना यकीन माने एक एक बाइट में इतना मज़ा आ रहा था, इतना टेस्ट आ रहा था। साथ ही मैंने कचूमर वाला सैलेड बनाया खट्टा वाला, इसे मैंने नींबू, काली मिर्चें, नमक डाला है, और प्याज, टमाटर और खीरा बारीक बारीक काट के इसको मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। और यह आप लोग ट्राई करें घर में और बताइएगा कैसा बनाए। ये किरण सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आ जाइए खा लीजिए मेरे साथ, मैं तो अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ जो कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे पास और बहुत सारे काम थे जो कि मैंने निपटाने थे, और कल मेरा काम फिर डबल फैलने वाला है, क्योंकि कल जो है ना हमारी छत डलेगी। यहाँ पे भी फ्रिज का सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रिज जो है ना कमरे में जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत फैलावा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फ्रिज हमारा जा रहा है अभी कमरे में, और मशीन भी जाएगी, फिर ये थोड़ी जगह खुली हो जाएगी, कल जो है ना फिर इजीली काम हो जाएगा। यहाँ से फ्रिज हट गया है, फ्रिज जा रहा है हमारा अंदर। अलहमदिल्ला मेरा खाना भी रेडी हो गया है, दाल और चावल रेडी हो, और सारा फ्रिज का सामान देखिए सभी पड़ा है, सारा फ्रिज का सामान और फ्रिज रख दिया है अंदर, और मशीन भी हमारी चली गई है अंदर। तो ब्लॉग को भी कर देते हैं एंड, क्योंकि रात होने वाली लाइट चली जाएगी, कभी भी कुछ पता नहीं है, तो ब्लॉग को भी करते हैं एंड पे। ब्लॉग ऑन करने से पहले आपको दिखा दूँ कि फ्रिज हमने यहाँ रखा हुआ है, और मशीन जो है ना वो हस्बैंड वॉशरूम में रख रहे हैं,
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, पर ढेर सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रहेगा और बताएगा किस चीज़ को खुशी हो रही है कि मेरा जीना बन रहा है। आप बहुत मज़ा आया करेगा, हम छत का भी अपना ब्लॉग बनाया करेंगे, छत पे भी जाके ये कुर्सियाँ वर्सियाँ सब छत पे चले जाएंगी, जो का सारा सामान हम छत पे रख देंगे और मशीन भी हम छत पे रखेंगे, फिर कपड़े धोया करेंगे। तो फिर छत जब बन जाएगी ना हमारी बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा और थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कभी लाइट ना हो रात में से कभी रात लाइट नहीं होती तो हम ऊपर रखे बैठ जाएँ तो बहुत सहूलत हो जाएगी। तो जी ब्लॉग को करते हैं एंड, कल जो काम होगा वो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।